नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चतरा जिले के राजपुर थाना प्रभारी मोतीराम देवगत ने जुआरियों की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई में एक जुआरी गंभीर रूप से घायल हो गया है। पिटाई के दौरान राजपुर निवासी घनु दांगी बेहोश हो गया और बुरी तरह जख्मी हुए जुआरी को स्थानीय क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हैं। इसके विरोध में ग्रामीण कान्हा चट्टी उंटा मुख्य पद जाम और थाना का घेराव करेंगे। वरीय अधिकारियों से प्रभारी दरोगा मोतीराम देवगन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। एक और पुलिस की छवि जनता के बीच सुधारने में वरीय अधिकारी का लगातार सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी की गलती के कारण सारे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो जाती है। जनता का रक्षक कहने वाला मोतीराम देवगन ने राजपुर थाना क्षेत्र के राजपुर बाजार में देर रात जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि एसपी के निर्देश पर सदर पुलिस ने भी बीते कल कई जुआरियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया, पर राजपुर थाना क्षेत्र में जुआरियों पर कार्रवाई करने के नाम पर थाना प्रभारी ने जमकर डंडा बरसाया। डंडा भी ऐसा बरसाया कि कई जुआरी आंशिक रूप से घायल हो गए। वहीं राजपुर निवासी घनु दांगी पुलिस की पिटाई में गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज स्थानीय क्लिनिक में चल रहा है। जानकारी के अनुसार राजपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार 15 दिनों के ट्रेनिंग में गए हुए हैं। इस दौरान थाना प्रभारी मोतीराम देवगम को कार्यभार सौंपा गया है। बीती रात थाना प्रभारी मोतीराम देवगम के इस कार्रवाई से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं ग्रामीण एकजुट होकर पुलिस का विरोध कर रहे हैं और रोड जाम करने का मन बना रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जुआ खेलना गलत है, तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, इस तरह की जानलेवा पिटाई क्यों की गई। ग्रामीणों से वरीय अधिकारियों से मामले को जांच कर मोतीराम देवगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि एसपी राकेश रंजन को जानकारी मिलने के पश्चात गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया गया है। थाना अंतर्गत राजपुर बाजार में पुलिस से कोई बातें हुआ था, इस संदर्भ में आपस में हम लोग मिल बैठ करके सॉर्ट आउट हो गया है और बड़ी पदाधिकारी की सूचना दी गई है। बड़ी पदाधिकारी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि एक व्यक्ति विशेष को बुरी तरह से पिटाई किया गया है जुआ खेलने के मामले में। ऐसा तो नहीं हुआ है कि मारपीट का कोई नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जेसीपी न्यूज। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।